हेलो दोस्तों, मैं सूरज, आप देख रहे हैं स्टूडेंट वीडियो। इस गाड़ी में प्रॉब्लम है कि देखिए एक कोड आया हुआ है P2BA9 और 1956 का है। तो ये कोड आपका AW पुअर क्वालिटी का है। तो अभी मैं चेक किया इसका, तो AW का जो कंसंट्रेशन है वो 29% जा रहा था। तो अभी मैं AW चेंज कर दिया हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ TTC क्लियर करके। तो लैपटॉप में आते हैं हम लोग, उससे पहले ड्राइवर साहब से पूछते कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है गाड़ी चलाने में। तो ऑर्डर भी बताइए, क्या दिक्कत हो रहा था गाड़ी चलाने में? गाड़ी पिकअप नहीं पकड़ रही थी। पिकअप नहीं पकड़ता है ना, कब से दिक्कत है ये? ये परसों रात से। चलिए ठीक है, अभी देखते हैं का। तो चलिए लैपटॉप में आते हैं हम लोग। तो अभी लैपटॉप में आ गए हम लोग। तो यहाँ पे देखिए DC2 डायग्नोस्टिक 2.1 वाला है, इसमें खोलेंगे इसको, उसके बाद यस कीजिए, यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे गोडा सेलेक्ट करेंगे, स्टार्ट पे कनेक्ट हो गया। यहाँ देखते DTC दिखा रहा है इसमें, देखिए यहाँ पे P2BA9 लिखा हुआ है, DF क्वालिटी। तो अभी हमने चेंज कर दिया, इसका क्वालिटी ख़राब था थोड़ा। तो अभी इसको DTC क्लियर करते हैं। इसमें आपको चेक कर लेना कि इसमें ISU ID कौन सा है ISU का। तो इसमें चेक करते हैं अभी हम लोग। तो देखिए इसमें R5 किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो अभी हम लोग चाबी पे जाते हैं इग्निशन मीटर पे। तो पहले ये ऑफ करेंगे एक बार इग्निशन, उसके बाद ऑन करेंगे। TTC भी हट गया है, स्टार्ट करेंगे गाड़ी अभी हम लोग। देखिए ये यहाँ पे सारा चीज हट गया है, VML हट गया है और भी हट गया है। तो गाड़ी को फिलहाल ट्रायल करेंगे, उसके बाद आपको फिर से ड्राइवर का जो फीडबैक बैक वो सबको देंगे। तो इसमें आपको लैब रिटर्न चेक कर लेना कि इसका प्रेशर कितना जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड डी है प्रेशर, ठीक है, ये आपका धीरे धीरे बढ़ेगा। आइडल में आपका 500 जाना चाहिए और गाड़ी जब चलता है उस टाइम जब 550 तक जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इंजेक्टेड 50 साइकिल। जब गाड़ी का RPM यहाँ पे RPM दिख रहा है, यहाँ पे 1200 से 1500 के बीच में रहेगा। यहाँ पे आपका कुछ परसेंटेज में नंबर आएगा, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि आपका जो इंजेक्टर है वो स्प्रे कर रहा है, ठीक है। जब जब वो लिखाएगा यहाँ पे, मतलब उस टाइम आपका स्प्रे मर रहा है। और ये लेकिन यहाँ पे दिखेगा आपका RPM 1200 से 1500 के बीच में रहेगा, तभी आपको यहाँ पे जो नंबर दिखेगा, ठीक है। तो अभी गाड़ी को ट्रायल करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। गाड़ी चला के कैसा लगा अभी? बिल्कुल टकाटक ठीक है ना? ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।